हेलो बीटस आर्मी। तो बीटस की पॉपुलैरिटी और इनका इन्फ्लुएंस हमारी कंट्री इंडिया में हर दिन बढ़ता जा रहा है और इसीलिए कल रात से ट्रिगर्ड इंसान जो कि बहुत ही बड़े और फेमस इंडियन यूट्यूबर है जिनके बारे में आप सभी आर्मी शायद जानते भी होंगे, तो कल से इनकी ये एक वीडियो हमारे इंडियन बीटस आर्मी फैंडम के बीच बहुत ज्यादा वायरल हो रही है क्योंकि इस वीडियो में ट्रिगर्ड इंसान ने हमारे बीटस के सबसे छोटे मेंबर जंगकुक को मेंशन किया है। तो आप में से जिस भी आर्मी ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है पहले आप सभी आर्मी इस वीडियो को देखो। सपोज करो एक दिन आपकी किस्मत बहुत अच्छी हो जाती है और आपको आपका फेवरेट बीटीएस मेंबर जंगकुक का फोन आता है, पर अब भैया तो कोरियन में बोल रहे हैं, आपको कोरियन समझ आती ही नहीं है, तो AI लाइव ट्रांसलेट वो ऑन द गो ट्रांसलेट कर देगा। तो वो कोरियन में बोल रहे होंगे लेकिन आपको हिंदी में ही सुनाई दे रहा होगा। भाई क्या कूल चीज है भाई, मजे। तो आर्मी इस वीडियो में ट्रिगर्ड इंसान सैमसंग के न्यू मॉडल का प्रमोशन और उसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं एंड ये बात तो आप सभी जानते हो कि बीटीएस के मेंबर सैमसंग कंपनी के एम्बेसडर है और बीटीएस सैमसंग के फोन को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं एंड हमारी कंट्री इंडिया में बीटीएस के ढेर सारे फैंस भी हैं, तो इसीलिए ट्रिगर्ड इंसान ने अपने इस वीडियो में जंगकुक को मेंशन करा है। इस वीडियो में इन्होंने जंगकुक को मेंशन करते हुए कहा है कि मान लो अगर किसी दिन आपकी किस्मत चमक गई और आपके पास बीटीएस के मेंबर जंगकुक की तरफ से कॉल आ गई तो आप जंगकुक की बातों को तो समझ नहीं पाओगे क्योंकि जंगकुक कोरियन लैंग्वेज बोलता है। तो इसीलिए सैमसंग में एक न्यू AI लाइव कॉल ट्रांसलेशन फीचर आया है जहां हम जंगकुक के कोरियन लैंग्वेज को कॉल पर ही हिंदी में समझ सकते हैं। यानी कि दोस्तों इस वीडियो में ट्रिगर्ड इंसान ने फोन का प्रमोशन भी कर दिया, साथ ही में जंगकुक को मेंशन करके इनको हम इंडियन आर्मी की तरफ से अटेंशन भी मिल गई। इसी के साथ ट्रिगर्ड इंसान अपने वीडियोस में ज्यादातर रोस्ट करती है, तो इसीलिए जब ये बात वायरल होने लगी कि ट्रिगर्ड इंसान ने जंगकुक को मेंशन किया है तो पहले बहुत से फैंस को यही लगा था कि कहीं इन्होंने जंगकुक को रोस्ट तो नहीं कर दिया, पर आर्मी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ट्रिगर्ड इंसान ने जंगकुक को रोस्ट नहीं किया है बल्कि जंगकुक को मेंशन करके इन्होंने यही बताया है कि जंगकुक कितने फेमस है। इसी के साथ जब ये बड़े बड़े इंडियन यूट्यूबर्स जिनका बीटीएस से कोई भी लेना देना नहीं है पर फिर भी जब ये लोग अपने वीडियोस में हमारे बीटीएस को पॉजिटिव वे में यूज करते हैं और उनका मेंशन करते हैं तो इससे हम इंडियन बीटीएस आर्मी का ही फायदा है क्योंकि इससे बीटीएस की पॉपुलैरिटी इंडिया में और भी ज्यादा बढ़ेगी एंड और भी न्यू लोग बीटीएस को जान पाएंगे। तो आर्मी इस वीडियो पर आपके क्या व्यूज है मुझे कॉमेंट पे जरूर बताना एंड ऐसे ही बीटीएस के हर छोटे बड़े अपडेट्स को जानने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो टेक केयर एंड बाय बाय।